इस मेडिसिन का उपयोग नसों में कमजोरी की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है, खून की कमी रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है, हाथ पैरों में सुन्नपन की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। और इस मेडिसिन का उपयोग किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है, किन किन रोगों में, मरीज को क्या रोग रहता है, क्या तकलीफ रहती है, क्या परेशानी रहती है, क्या दिक्कत रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है, इसका डोज क्या होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि अगर हमारे शरीर में कार्निटिन की जब कमी हो जाती है किसी भी कारण से तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन कार्निटिन की समस्या में प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। कार्निटिन क्या होता है? कार्निटिन एक अमीनो एसिड प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में बनता है। नर्व डैमेज की समस्या में यह मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है, या फिर नसों से संबंधित अगर उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, नसों में उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। और जैसे कि अगर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि इस मेडिसिन का उपयोग अगर किसी को खून की कमी है, जब किसी को खून की कमी रहती है तब उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस की समस्या रहती है, कमजोरी सा रहता है, थकान के जैसा उसके बॉडी में हमेशा बना रहता है, उसके हाथ पैरों में झुनझुनाहट की समस्या रहती है, और कई बार आपने देखा होगा कि उसके पैर एकदम अकड़ जाते हैं हाथ पैरों में, या हम कह सकते हैं दर्द की समस्या रहती है। अगर वो व्यक्ति कोई काम करने के लिए जाता है तो उसे एक तरीके से नींद सा आने लगता है, और वो अगर चलता है 10 कदम 20 कदम तो उसे हाफा के जैसा महसूस होने लगता है, और वो कोई काम करता है तो उसका कोई भी काम करने का दिल नहीं करता है, उसे बहुत ज़्यादा नींद की समस्या भी आता है कमजोरी के कारण। तो इन सारी समस्याओं को ये मेडिसिन जड़ से ठीक करने का काम करता है। ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है, इन सारी समस्याओं को ठीक करता है ये मेडिसिन। और जैसे कि आपने देखा होगा यदि किसी के बॉडी में बहुत ज़्यादा चर्बी की समस्या हो जाता है, उसका वेट है जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से अगर वो चलता है तो उसे थकान की समस्या हो जाता है, या फिर अगर वो जिम जाता है अपना वेट लॉस करने के लिए, जिम में जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से व्यायाम करता है, जिम करता है, तो उसकी वजह से अगर उसके बॉडी में कोई समस्या, कोई दिक्कत रहता है, थकान रहता है या बॉडी में दर्द की समस्या रहता है, तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करता है। और उसका जो वेट है, यानी जो उसके बॉडी है उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसका वेट लॉस करने का काम ये मेडिसिन करता है। हार्ट और ब्लड वेसल्स से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा इस समस्या में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर कोई महिला है जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, कंसीव करने में उसे दिक्कत की समस्या होता है, तो इस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। और इस मेडिसिन का उपयोग थायराइड की समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को थायराइड की समस्या रहती है तब उस समस्या को ये ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि इस मेडिसिन में जो एल कार्निटिन पाया जाता है, ये क्या काम करता है, ये हमारे बॉडी में एनर्जी प्रदान करने का काम करता है, जिससे हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट और हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें ये नियंत्रित या एनर्जी प्रदान करने का काम ये करता है। और ये मेडिसिन हमारे बॉडी के जो फंक्शन है उसे मेंटेन करने का काम ये मेडिसिन करता है। और जैसे कि इस मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर के द्वारा जब किसी के बॉडी के नसों में झुनझुनाहट की समस्या रहती है, या नसों में दर्द की समस्या रहती है, या फिर नसें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, उसमें अकड़न की समस्या हो जाता है, तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम ये मेडिसिन करता है। एल्कोहलिक न्यूरोपैथी की समस्या में ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। पर्निशियस एनीमिया की समस्या में ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। मल्टीपल एल्कलरोसिस की समस्या में ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये मल्टीपल एल्कलरोसिस की समस्या को ठीक करने का काम करता है। मल्टीपल एल्कलरोसिस की समस्या में ये काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। और भी ये मेडिसिन बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। चलिए अब हम आपको इस मेडिसिन के डोज के बारे में बताते हैं, इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं, ये मेडिसिन का डोज किस प्रकार से डॉक्टर के द्वारा निर्धारित करके लेने के लिए बताया जाता है। जैसे कि जो इस मेडिसिन का डोज होता है ये डॉक्टर के द्वारा मरीज की एज, उसके बॉडी वेट और उसकी दिक्कत और उसकी समस्या को देखते हुए डॉक्टर इस दवा का
डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताते हैं, लेकिन जो एडल्ट में इस दवा का डोज होता है वो एक टैबलेट दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार लेने के लिए बताया जाता है। बट डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन ज़्यादातर दिन में एक बार लेने के लिए बताया जाता है। चलिए अब हम आपको इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं। इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट देखा गया है, जैसे कि अगर ये मेडिसिन आप ओवरडोज की मात्रा में लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नींद की समस्या आ सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको नोजिया की समस्या हो सकता है, आपको वोमिटिंग की समस्या हो सकता है, इसके सिवा आपको और भी समस्या हो सकता है। इसके सिवा यदि आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाएं, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन लें। कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन खुद से उपयोग ना करें,